KVS इंटरव्यू। पहले तो ये बता रही थी मैं आप लोगों को कि अगर आप लोगों का दिल्ली में आया, ठीक है, तो दिल्ली में आपका जेएनयू कैंपस में होगा। यहाँ के स्कूल अलग से काफ़ी बड़े स्पेशियस स्कूल है और हर बार यहीं पर ये इंटरव्यू होगा, आप लोगों का यहीं कंडक्ट होगा। अब आप लोगों के इंटरव्यू के टाइमिंग क्या रहेंगे? टाइमिंग है 15 मिनट, ठीक है। मैक्सिमम आप लोगों का अगर इंटरव्यू का टाइम लगेगा वो 25 मिनट का लगेगा। यहाँ पे आपका इंटरव्यू दो भागों में डिवाइडेड होगा। वो दो भाग क्या है? एक में आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू होगा, और एक में होगा आप लोगों का डेमो टीचिंग। डेमो टीचिंग पहली बार यहाँ पे खास बोला गया है कि हम करवाएंगे, करवाते पहले भी थे, पर अब की बार प्रॉपर आपको कागजों में लिख के बोला है कि हमको डेमो टीचिंग करवाना है, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू होगा उसमें जब आप फॉर्म डाउनलोड करोगे वो सारा भी आपको फॉर्म दिखाएंगे कि आपके पास क्या फॉर्म निकल कर आएगा। आप लोगों को दोबारा अपने हाथों से प्रॉपर लिखना होगा, कॉलम आपको ऐसे बनाने होंगे, हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनली हमने क्या किया है, अकेडमिक क्वालिफिकेशन आप लोगों की क्या है, आपका परसेंटेज क्या बना है, आपका रिटर्न में क्या है। और जब आप लोग यहाँ पर अपने बारे में लिखोगे, आपका कुछ भी यहाँ पे लिखना आपके लिए क्वेश्चन को इन्वाइट करेगा। इंटरव्यू आपका बढ़िया जाएगा उसके लिए एक ही बात पर डिपेंड करेगा, वो बात केवल मेन यही होगी कि आपके हाथ में है आप इंटरव्यू को कौन सी डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है मैं किसी बात के ऊपर इंप्रेशन जमाने के लिए मैं झूठ बोलूं, जो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने कोहल बग का गुड बॉय गुड गर्ल, तो डोंट ट्राई टू बी गुड इन द आईज ऑफ अदर्स। आप लोग ये मान के चलना जो आप हो आपने बिल्कुल वैसे ही बन के जाना है। अब अगर मैं कहूँ ड्रेस कोड वगैरह तो ये तो बकवास वाली बात है, इसके ऊपर एक एक घंटे के वीडियो बना के लोगों को पागल बनाए। आपको पता है कि आपने साधारण कपड़े पहन के जाना है। अगर आप लड़कियां हैं इतनी तो आपको भी पता है कि आपने शॉर्ट्स पहन के तो जाना नहीं है, आप वहाँ पे सलवार कमीज पहनती हैं, साड़ी पहने, जो भी आप पहने, और जैसे आप हरियाणा को बिलोंग करती हैं तो आपने जो बोलेंगी आपका जो एक्सेंट भी होगा, तो आपने ये छुपाना नहीं है, आपने बिल्कुल अपनी भाषा में सहज होकर बोलना है। अगर आपको लग रहा है मैं हिंदी में बहुत कंफर्टेबल हूँ तो आप ये कोशिश मत करना कि मैं इंग्लिश में जाके ही हर बात को बोलूं। आप लोग क्या इंग्लिश में कंफर्टेबल हो आप दोनों लड़कियां? ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप फ्लुएंट नहीं हो तो आप अपना इंग्लिश में इस प्रकार बोलो कि अगर आपको कुछ हिंदी में भी कहना पड़े तो आप वहां पर बाइलिंगुअल होके भी अगर बोल रहे हैं। और एक बात ये कर लेना बेटा, अगर आप हिंदी में सहज हो बोल तो फिर भी ना एक दो वर्ड आप इंग्लिश के इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये दिखाया कि मैं प्योर हिंदी भाषी हूं, अब मेरे को पास टांग खींचने का मौका मिल गया। अगर मुझे पता चला आप प्योर इंग्लिश बोल रही हैं तो दिस गिव्स मी एन आइडिया कि यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी, तो मैं जानबूझ के आप लोगों को हिंदी में कुछ बोलने का मौका दूंगी। यानी कि मेरे को ये देखना है कि आप दोनों भाषाओं में बढ़िया हो। पर लोगों के दिमाग में ये बात बैठी है कि अगर हमारे को इंग्लिश नहीं आएगी तो हमारा रिजेक्शन होगा। रिजेक्शन नहीं होगा, इंग्लिश अगर आपको आ रही है प्लस पॉइंट माना जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो मैं मान लूं कि मुझे आपको रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट वो आप लोगों को इस बिना पे नहीं करेंगे। आपके लिए ये भी मैटर करेगा आपकी डेमो टीचिंग। मैंने अभी इनसे एक बात पूछी, पहले तो मैं एक बात ये कहूंगी, बड़ी ईमानदार और आपकी बातों में इतनी सच्चाई है ना कि आप बिल्कुल यही बोलेंगे जो आप अभी मेरे सामने बोली। मैंने इनको कहा मैडम आपकी हॉबी क्या है, इन्होंने छूटते ही बड़ी बेबाक होके तो ना बिल्कुल सादगी में बोली मुझे ना स्टिचिंग बहुत पसंद है, सिलाई करना मुझे बहुत पसंद है। मैडम आपने बहुत अच्छी बात बोली। अब वो आपको कहेगा कि आप तो सिलाई कर रही हैं तो सिलाई में मुझे बताइए कि हमारे स्कूल में आपकी सिलाई किस प्रकार पढ़ाने में मददगार साबित होगी। तो आपको वहां पे अपनी बात को रखना है। आपकी हर हॉबी स्कूल में एक एसेट का काम करेगी। आप कहेंगे मैडम मैं टीएलएम इस प्रकार बना सकती हूँ। मैडम कैसे टीएलएम बनाएंगे?
मैडम जैसे आपका ये हैंकी बड़ा है, अपना हैंकी निकाल लेना वहां पर। और कामयाब टीचर वो होगा, आपने बाला पढ़ा है ना, बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड, जो भी सामने दिख रहा है ना वो मेरा TLM है। आपने एक रुमाल निकाला, आपने कहा इस रुमाल को फोल्ड करके मैं बच्चों को शेप बता सकती हूँ। थोड़ी अगर मेरे को सिलाई वगैरह बढ़िया पता है तो मैं इसी रुमाल को थोड़ा ऐसे टांगा वगैरह लगा के इस पर कोई भी मुखौटा बना दूंगी। जो सर आपका लेसन है ना बंदर बाट का, या आप लोगों का बहादुर बित्तों का है, वो शेर खाने आते हैं, तो ना मैं इस प्रकार ना रुमाल से ही शेर बना के दिखा दूंगी। इस प्रकार के TLM आप लोगों को मैं वीडियो वगैरह शेयर करूंगी कि आप ना वहीं पर ही करके दिखा दोगे कि मैं ना बच्चों को वर्णमाला ऐसे सिखा दूंगी कि यहाँ पे एक टांका लगा के, एक बटन लगा के और एक डंडी टाइप लगा के, जैसे बचपन में हम TV बनाते थे ना, याद होगा। तो आपने कहा कि मैं बच्चों को ऐसे दो साइड पर लगा दूंगी, उनसे शब्द बनवाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ना रखा तो बोला बच्चों अब शब्द बनाओ, तो बच्चा यहाँ पे घुमाएगा ना ल नल। तो जब आप इस प्रकार की चीजों को करेंगे ना, उनको पता चलेगा वाकई ही आपका टीचिंग में ना इंटरेस्ट है, आपने पैशन है। आप ये नहीं है कि लोग टीचिंग क्या मान के चलते हैं, कुछ भी नहीं बन पाए चलो टीचर बन जाए। तो आपने वहां पे ये नहीं दिखाना कि एक्चुअली सर आई हैड ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड फॉर मेडिकल लाइन, बट बिकॉज आई कुडंट मेक इट टू देयर देन आई ऑप्टेड आउट फॉर टीचिंग। ऐसी बकवास वाली बातें नहीं कर आ रही सर। टीचिंग हैज ऑलवेज बीन माई फर्स्ट प्रायोरिटी, इन फैक्ट आई क्वालिफाइड अदर एग्जाम्स ऑल्सो। अगर आपने करे है सच में तब झूठ नहीं बोलना। अगर आपको लगे कि मैंने रेलवे का करा, मैंने पोस्ट ऑफिस का करा, मैंने बैंक का करा, मैंने CHSN का करा, जो भी करा है, अगर करा है तो आप बोलिए कि चाहे मैं ऑलरेडी एम्प्लॉयड हूँ फिर भी मैं स्विच करना चाहूँगा टीचिंग में, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा जो व्यक्तित्व में जो है, जो हमारा अपना एक एप्टीट्यूड है, वो हमारे लिए मददगार होगा कि हम अपनी जॉब में अपना 100% देकर आ पाए। तो आपने जो भी बोलना है यहाँ से, उसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, 3 या 4 मिनट में उन्होंने आपको भाप लेना है। और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉडी लैंग्वेज में एक ही बात मैटर है, वो बात क्या मैटर करेगी, बी हम्बल। आपका बैठने का अगर तरीका ऐसा है, नहीं आप इस प्रकार बैठे हैं, आप जो बात बोल रहे हैं, आपके चेहरे पे जो विनम्रता है, और सबसे बड़ी बात मैंने क्या बोला, सच बोलना है। जहां आप झूठ बोलेंगे ना, आपको पता नहीं चल रहा होता, कभी झूठ बोल के हो ना अपने किसी से वीडियो बनवा लेना, आपके चेहरे के ना जो हाव भाव है वो एकदम से हिलने लगते हैं, आपके जो एक्शन है और आपके जो वर्ड्स है वो दोनों में मिसमैच आ जाएगा। तो एक अपनी बात को बिल्कुल बेबाकी से रखना है और अपनी हर बात को इस प्रकार बोलना है कि कैसे वो मेरे लिए टीचिंग एड हुआ। अगर मैं अखबार पढ़वाने का करवाता हूँ तो इस प्रकार बच्चों में रीडिंग की एबिलिटी बहुत बढ़िया डेवलप होगी। अगर बच्चों में रीडिंग आएगी तो कहीं ना कहीं हम कॉम्पिटेंसी को लेकर बात कर रहे हैं, इसमें रीडिंग भी हो गया और साथ साथ बच्चों को नई जो भी जानकारियां है उनके बारे में भी बच्चों को आइडिया होगा। तो आपने बताना है कि मेरा जो भी इंटरेस्ट का एरिया है वो स्कूल में कितना कामयाब होगा। और हम इस प्रकार कई प्रकार की ऐसी रीडिंग की लिटरेरी एक्टिविटीज को स्कूल में शुरू कर पाएंगे। आजकल तो आप लोगों को पता है, हिंदुस्तान टाइम्स का अगर आपने देखा हो, उनका एजुकेशन का बिल्कुल अलग निकल कर आता है। तो इस प्रकार के न्यूज़पेपर का अगर मेरा अपना है तो मैं इसमें कई प्रतियोगिताएं हैं, कई प्रकार के हमारे एजुकेशन फोरम है जिनका आइडिया केवल हमारे को न्यूज़पेपर से होगा। मैं अपने बच्चों को मोटिवेट कर पाऊंगा कि बच्चों आप इस प्रतियोगिता में आप भी भाग लीजिए। तो इस प्रकार आपका इंटरेस्ट एरिया जो होगा वो टीचिंग में हमेशा बेनिफिशियल होगा। बेटा आपसे पूछो आपकी कोई हॉबी, क्योंकि आपको ये लिखना जरूर है, तो आप क्या बोलोगे मेरी हॉबी क्या है? जैसे ही आपने ये बोलना ना पोयम राइटिंग, मैडम कुछ सुनाएंगे आप? सुन बिल्कुल, आपको एक लड़की का मैं अपने टाइम का बता रही हूँ, उसे केवल इतना बोला कि मैं लखनऊ को बिलोंग करती हूँ। अब वो पैनलिस्ट के ऊपर भी बात है, वो क्या बोले लड़की को, मैडम लखनवी तहजीब में आप कुछ भी सुना दीजिए। और उसको सुनकर वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने कहा आपको पोस्टिंग में हम यहाँ पे देंगे, लड़की का कन्फर्म हो गया। तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो, क्योंकि वहां पर उनका चेहरे की फेस मूवमेंट देखकर ही आपको पता चलेगा भैया आई हैव मेड माई डे। ठीक है, तो अब आपको एक पोयम सुनानी है, बस शुरू हो जाए। दो लाइनें सुना दो बेटा, मेरे को आपका बोलने का तरीका देखना है, दो लाइनें।
बेटा अगला क्वेश्चन आपके ऊपर है, आपकी हॉबी के ऊपर तैयार रखना अपना आंसर। बेटा जी आप बोलेंगे। पर आपको मैं पूछूंगी, अखबार में आपको कौन सा सेक्शन बढ़िया लगता है? क्या आप लोगों को केवल फ्रंट वाला देख रहे हो? आपको स्पोर्ट्स को कॉलम देखना अच्छा लग रहा है? एक ना सेक्रेटरी करके भी आता है, जहां पे आपका रिलीजन का स्पिरिचुअलिटी को लेके उनके बारे में भी आता है। तो आपको ये भी बताना होगा आपको न्यूज़पेपर का कौन सा सेक्शन बढ़िया लगता है और क्यों लगता है। ठीक है, तो आपने जो भी शब्द बोलना है, मतलब आपके मुंह से कुछ निकला या आपने यहाँ पे जो लिखा है वो अगले क्वेश्चन को लेकर आएगा। यू आर इनवाइटिंग क्वेश्चंस। हाँ जी, आप दो लाइनें बता रही थी, जल्दी दोहरा लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। याद आई दो लाइनें आपको? क्योंकि अगर आपने बोल दिया ना मेरा पोयम राइटिंग है, तो वो आपसे कहेंगे मैडम तो अभी क्यों नहीं। स्पॉन्टेनिटी मैटर करेगी। अगर आपको लगे कि एवरी टाइम यू विल बी टेकिंग टाइम, आपको ये नहीं शो करना कि मैं टाइम लूंगी। अगर आप सहज हो, आपका अपना क्रिएशन है, तो फिर आपको क्यों याद करने की जरूरत पड़ेगी? चलिए आप बताइए आपकी क्या हॉबी है। एंड हाउ डू यू हेल्प एनिमल्स? हाउ डू यू ऑफर हेल्पिंग हैंड टू देम? Are you associated with any such organization? No, ma'am, I'm not associated. But I do know some NGO, an NGO that, which is in Mirabagh, Delhi. Okay. Mirabagh, Delhi. I have their number also. So whenever I see any animal like injured or need help like medically or some other case, so I inform them and I also collect some funds for like for from my nearby near school. इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन मैम, एज यू हैव सेड दैट यू आर वेरी काइंड टू एनिमल्स, हाउ विल यू इनकल्केट दिस थिंग अमंग यूर चिल्ड्रन? मैम, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? Ma'am, empathy is like feeling how others feel. It's not just like showing pity on them. It's also feeling what they are feeling and then act or... And sympathy? And sympathy is, ma'am, just I saw someone in a problem. I just feel pity. Oh, this happened to you. Oh, this is bad. But and what is the opposite of sympathy? It's cruelty. अपैथी। आपने जो भी बोलना है, अगर आप एक खास प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको वहां पे पूछेंगे। ठीक है सर, अब आपकी बारी है। आपको अपने बारे में कोई भी, अपनी जो भी आपकी हॉबी है, जो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आपको 50 शब्दों में अपने बारे में लिखना है, आपको अपने कैंडिडेटचर को जस्टिफाई करना है कि मैं पीआरटी के लिए संगठन में क्यों आना चाह रहा हूं, तो आपकी हॉबी क्या रहेगी? वहां पे आपको इमीडिएटली लिखा होगा और आपको उसके ऊपर बोलना होगा। तो आप मान के चलिए कि मैं यहाँ पे बिल्कुल वही कर रही हूं। तो आपकी अपनी कोई हॉबी है? यही बात है, आप ना ये मत मान के चलो कि मैंने ना अभी रेडी। आपकी हॉबी के लिए तो आपको रेडी अब नहीं करना, वो तो आप बचपन से आपकी कोई हॉबी रही होगी ना, तो वो तो आपको बस यही बताना है, बाकी मैं उसमें से आपके क्वेश्चन निकालूंगी। तो कोई तो हॉबी रही होगी ना आपकी? वॉचिंग क्रिकेट है। चलिए, अभी कौन सा कॉम्पिटिशन चल रहा है? अच्छा, और विमेन क्रिकेट के बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, कैप्टन कौन रही है? कैप्टन कौन है? और हमारी जो मेल क्रिकेट टीम है, उनके कैप्टन कौन है? तो रोहित शर्मा में और जिन लेडी का नाम आप बता रहे हैं, इन दोनों में आपको क्या सिमिलैरिटी लग रही है,
और क्या डिसिमिलैरिटी लग रही है? पर्सनल लेवल पर आपको क्या अच्छा लगा दोनों में? इंडिया में आप विमेन क्रिकेट का क्या फ्यूचर देखते हो? आपने क्या बोला, वुमेन्स नहीं बोलना, विमेन, ठीक है? और आप बच्चों में क्रिकेट के लिए क्या करोगे? उससे बच्चे क्या सीखेंगे? आपने वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पूरी बात लिखनी है कि आप बच्चों में एक स्पोर्ट्समैनशिप वाली बात कि आपको अपनी इमोशन पे कैसे कंट्रोल करना है, आप बच्चों के कोर स्कॉलरशिप एरिया में कैसे आप इन चीज़ों को लेके चलोगे, ठीक है? चलिए अब आप बताएंगे, आपको बस ये बताना है पहला आपकी हॉबी क्या है? वॉचिंग ब्लॉग्स। तो हाउ मच टाइम डू यू डिवोट इन दैट? One hour daily. Sir, how can your watching blog be an asset to school? I hope that you will not be watching blog during the school hours. So, how can I see your hobby as an asset to our education system? याद रखना, ऐसा कोई पॉइंट वहां मत बोल देना जो पता चले कि हमारे लिए ये बंदा जो है ना टाइम खराब करेगा। तो ये जो वॉचिंग ब्लॉग है ना, ये मत बोलना। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं ब्लॉग बनाना पसंद करता हूँ और मैं स्कूल के बच्चों के लिए उनके लिए कुछ बनाना चाहूँगा। तो इसका मतलब सर आपको ICT का बहुत बढ़िया ज्ञान होगा। तो सर ICT को आप किस प्रकार स्कूल में इस्तेमाल करेंगे, आप किस प्रकार के टूल्स को लेकर आएंगे, कंस्ट्रक्टिव को, सिचुएशनल को, किस प्रकार के टूल को लेकर आएंगे? प्राइमरी लेवल पे आप किस प्रकार करेंगे? विजुअल स्केच को, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से ये समझ में आ जाएगा कि 50 शब्दों में उन्होंने आपको या 2 या 3 मिनट आप लोगों को मिलने, या मैंने टाइम वगैरह लिखा हुआ है, अमूमन आपको 15 मिनट रहेगा, ठीक है? यहाँ पर अगर आपका मैक्सिमम हो गया, कुछ बहुत ही 30 मार्क आप है, तो आपको 25 मिनट मिल जाएंगे, ठीक है? और अगर 5 मिनट में आपको कह रहे हैं जी राम राम, तो समझ जाइए नहीं है, आप इस गेम से आप बाहर हो चुके हैं, ठीक है? तो अब आपके पास आया अगला डिसाइडिंग फैक्टर आपका ये है। ये वाले में अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई कोई बात नहीं, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, ये मान के चलना। यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मैंने, जरूरी नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बोलूँ आप आके पोयम ही पढ़ाओ। ये जो यूट्यूब भर गया ना पोयम से, कटी पतंग थे कटी पतंग, वहां पे ऐसे ना, एक तो ये याद रखना, ये जो कटी पतंग के गाने चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वहाँ आप इंडियन आइडल शो में नहीं जा रहे हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग वगैरह है, ये सब नहीं करनी है। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है? एक टीचर का अपना एक डेकरम होता है, एक अपनी मर्यादा होगी, आपको उस डेकरम को, उस मर्यादा में अपनी बात को रखना है। अब वो एक्टिंग बाजी नहीं करनी वहाँ पे जाकर, ठीक है? तो आप लोगों ने डेमो टीचिंग में क्या तैयार करना है? डेमो टीचिंग में आपके पास 3 पार्ट आ गए हैं। एक है आप लोगों का लैंग्वेज वाला पार्ट, एक आ गया आपके पास मैथ्स वाला पार्ट, और एक आ गया आपका ईवीएस वाला पार्ट, ठीक है? एक पार्ट हो गया आप लोगों का लैंग्वेज वाला, एक पार्ट आप लोगों का हो गया मैथ्स वाला, एक पार्ट हो गया आप लोगों का ईवीएस वाला। लैंग्वेज में आप लोगों के लिए क्या क्या चीज हो सकती है? मान लीजिए अगर वो कहते हैं कि ग्रामर का कोई टॉपिक पढ़ाओ, तो आपने ग्रामर का वो टॉपिक पढ़ाना जहां पर आपको लगे आप एक्टिविटी करा लो। मैं यहाँ पे कुछ सेट टॉपिक करके दूंगी आप सभी लोगों को, और उनका मैं कहूंगी आपको डेमो टीचिंग में टेस्ट निकाल के देना है। आप लोगों के लिए मैं एक एक टॉपिक दूंगी। मैं पहला कहूंगी अपना प्रेपोजिशन का ले लो। प्रेपोजिशन करने का तरीका क्या है? आप खड़े हुए, ठीक है? वहां पे कोई भी चेयर घुमा लेना, ऑन द चेयर, अबव द चेयर,
बिहाइंड द चेयर, बाय द साइड ऑफ चेयर. इस प्रकार की एक्टिविटी आपके खड़े खड़े 5 मिनट में एक्टिविटी बन जाए तो आप तैयार करके चलोगे. ठीक है, ज्यादातर लोग वहां पे क्या करेंगे, नाउन पढ़ाकर आ जाएंगे. अगर आपको बहुत मन कर रहा हो कि मैं नाउन ही पढ़ाकर आ जाऊं, तो वहां पे ये मत कहना, ओके चिल्ड्रन, टुडे आई विल बी टीचिंग यू अबाउट नाउन. प्राइमरी में हम ये मानकर चलते हैं आपने टेक्निकल टर्म को शुरू में इंट्रोड्यूस बिल्कुल नहीं करना है. आप वहां पे बात करोगे, वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स. वो नेमिंग वर्ड में आपने पूछा आपका नाम क्या है, आप कहां से आते हो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, खिड़की के बाहर क्या है, बोर्ड पे क्या मैंने चित्र बना रखा है. इस प्रकार आपने बहुत सारे नेमिंग वर्ड को लिया और कहा लास्ट में नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. इस प्रकार आपने ग्रामर कर का कोई टॉपिक देना होगा. हम वो टॉपिक को तैयार करेंगे जहां पर आप लोगों की एक्टिविटी 2 या 3 मिनट में पता चले कि वाकई आपने पढ़ाने का जज्बा है. उसके बाद आपके पास आता है पोएम, आप कर लीजिए पोएम अगर आपको अच्छा लगता है, लेकिन वहां पे ज्यादा नाचना गाना मत शुरू करना. और ये कोशिश बिल्कुल मत करना कि मैं वहां पे पूरी पोएम सुनाकर आऊंगा शुरू से लेके एंड तक. आपने वहां पे क्या करना है, आपकी ब्लैकबोर्ड राइटिंग वहां पे ये वाला नहीं मिलेगा, बहुत कम केसेस में. मैंने भी ग्रीन बोर्ड पे ही पढ़ाया था, ग्रीन बोर्ड और चौक मिला था, बट मेरा क्योंकि बिल्कुल ही आप लोगों का पीआरटी का, मेरा टीजीटी का था, मेरे को टॉपिक मिला था अडेप्टेशन पढ़ाने का. मैंने क्लास 9th का पढ़ाया था टॉपिक, अगर आप लोगों ने सबने एक लेसन पढ़ा होगा, और अब पेचीदा लेसन है डाइवर्सिटी इन लिविंग किंगडम, उसमें आर्थ्रोपोडा, प्लेटीहेलमेंथिस पता होगा आप लोगों को, सबने पढ़ा होगा. तो मेरे को वो वाला टॉपिक मिला था पढ़ाने को, क्योंकि मेरे को क्यों मिला, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही ये था टीजीटी नेचुरल साइंस, और मैंने किया भी क्या था, जूलॉजी ऑनर्स करा था. तो जो आपने करा है और एक जो क्वालिफिकेशन आप मेंशन कर रहे हो, वहां से वो उठा के पूछेगा. अगर आप ये कह रहे हैं सर मैंने ना पॉलिटी में एमए किया है, तो वो जरूर आपको क्वेश्चन पूछेगा. तो आपकी क्वालिफिकेशन अगर मैं कहूँ हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट में आपने क्या किया है, देखो एक है आपकी प्रोफेशनल, एक है आपकी एकेडमिक. डीएल क्या कर रखा है, पीजी किया हुआ, कौन से में करा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में. सोच लीजिए पॉलिटी में कुछ ना कुछ पूछेगा आपको. ठीक है, आपका जैसे मान लो अगर आप लोगों को ये लग रहा हो कि मेरे को आता नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से बोल देना है सर एक्चुअली आई एम सॉरी आई कैन नॉट रिकॉल एट द मोमेंट बट यस सर आई सी टू इट. ये लाइन जरूर बोलकर आनी है, सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मैं देखूंगा. क्योंकि आप ये मान के चलो अगर आप मेरे को पूछोगे ना तो मेरे को भी बहुत सारी बातें नहीं आएगी. कोई भी इंसान वो नहीं होगा जो कहेगा भैया मैं ब्रह्मांड हूँ मेरे को सब कुछ पता है, किसी को भी सब कुछ नहीं पता है. लेकिन जो हम्बल होके ये बात बोल देना कि मुझे अभी नहीं आता है लेकिन मैं बाद में जानकारी जुटा लूंगा, इसका मतलब क्या है, आप अपनी कमजोरियों पर काम करने वाले. हम ये नहीं चाह रहे कि आपको हम कह रहे जी यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, नहीं, नोबडी कुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. पर जहां पर आपको लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम है, हाँ उसके ऊपर मैं अपने वीक एरिया पे काम करूंगा, वो एक हमेशा बात आपके पॉजिटिव में जाएगी. ठीक है, उसके बाद वो आप लोगों से कुछ बातों के बारे में पूछेंगे. जैसे सर पीछे मैं आपसे पूछती हूँ, सर आपको एनईपी में क्या बात अच्छी लगी है. प्राइमरी के लेवल के ऊपर अगर मैं कहूँ आपको एनईपी 2020 में प्राइमरी लेवल के लिए क्या बात बढ़िया लगी है, तो सर ये वाली बात तो हमारी पहले वाली पॉलिसी में भी कही गई थी, वो तो हमारी 86 में भी था. तो एनईपी 2020 में वो खास बात क्या है जो 86 से उसको बिल्कुल अलग बनाती है. तो पहले क्या था सर, पहले क्या स्ट्रक्चर था जो आपने कहा कि अभी जो है स्टेजेस में बांटा गया, पहले वाला क्या था बेटा, अपने फंडास बिल्कुल क्लियर करके जाना. ठीक है, बोलेंगे जी, पहला वाला स्ट्रक्चर आपका क्या था, 10+2 कौन लेकर आया था जी सर, मैडम 10+2 आप क्या कहेंगी कि 10+2 एनईपी 86 लेकर आई थी, कोठारी आयोग. ठीक है सर, आप बताएंगे कोठारी आयोग कौन से सन में आया था,
कोठारी 64 में सर कोठारी आयोग के एकदम बाद कौन सी पॉलिसी निकल कर आई थी जो हमारी पहली पॉलिसी बनकर आई थी? पहली पॉलिसी, पहली 68 की, 68 में और 86 में आपको क्या फर्क लगा? 68 लेकर आई आपकी त्रिभाषा सूत्र, 86 में क्या बोला? बहुभाषिकतावाद। और आप लोगों की एमपी 2020 में क्या बोला भाषा के बारे में? एमपी 2020 ने भाषा के बारे में क्या कहा है? मल्टी लैंग्वेज। और कोई खास बात बोली है? एफएलएन पे। मैडम एफएलएन का फुल फॉर्म क्या है? फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। यहाँ पे गड़बड़ होती है हमारी भी, फाउंडेशनल बोलना होता है। मैडम ये जो फाउंडेशनल का इन्होंने बोला है, इसको हम एफएलएन को कौन सी क्लास तक जाकर इवेल्युएट करेंगे? इसका हाईएस्ट जो लेवल है वो कहाँ पर है एफएलएन का? क्लास थर्ड का है एफएलएन का हाईएस्ट लेवल कहाँ तक का है? आप थर्ड बोल रहे थे ना पहले, सेकंड तक होता है, आपने क्या कहा कि चेंज हुआ, कैसे कहा आपने? रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कुछ बातों को आपको समझना होगा, ठीक है। पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कुछ ना कुछ वो आप लोगों को रीसेंट वाले का पूछेगा। और आपने तो यूं भी बोला है कि मेरे को अखबार पढ़ना अच्छा लगता है, तो उसमें तो सारे अपडेट भी आपको मिलेंगे। अब सुनिएगा, मैंने कल एक YouTube पर वीडियो करा था, ठीक है। मेरा नाम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आप 2000 वीडियो तो मेरे पड़े होंगे। मैं एग्जामपुर नाम का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे पढ़ाया करती थी, ठीक है। अभी मैंने कुछ समय पहले ही अपना चैनल खुद का शुरू किया है, बहुत लोग नहीं जुड़े हैं, उम्मीद करूँगी आप लोग जुड़ेंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, ठीक है। कल मैंने अच्छा आप जानते हो मेरे को एग्जामपुर से। अच्छा आप टीवीएस का मेरे से ही पढ़े हैं, सब कुछ मेरे से पढ़ा आपने। अच्छा अच्छा नाम क्या है आप लोगों का? और बेटा आपका? अच्छा बेटा कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें एक खास बात यही बोली कि एफएलएन के अंदर कल मैंने पेपर शेयर करा था जो संगठन ने अपने सभी जगह भेजा है। हमारा एफएलएन का अब तक मैंने आप लोगों को वहां पे भी यही लिखवा रखा है कि बेटा ये आपका हमारा 3 से 9 साल तक का है, 9 में बच्चा आपका आ गया कक्षा थर्ड में, ठीक है। अब तक हमने यही लिखा था। 21 अगस्त को मैंने कल यूट्यूब पे डाला था, सर्कुलर आया है, हम रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, हम रीअलाइनमेंट कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो एफएलएन है वो हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कहीं पे फिट नहीं बैठ रहा, तो हम इसको इस स्ट्रक्चर में लेकर आना चाह रहे हैं। ये स्ट्रक्चर आपका फाउंडेशन सेज का है, ठीक है। फाउंडेशन सेज में है आपके 3 से 8 साल, यहाँ पे जो हाईएस्ट कक्षा है आपकी वो है सेकेंड क्लास, ठीक है। तो इसको इन्होंने 21 अगस्त को डाला है कि हम यहाँ पे बदलाव कर रहे हैं और अब आपका जो एफएलएन है वो थर्ड का नहीं रहेगा, वो रहेगा आप लोगों का सेकंड क्लास का। तो ये कुछ नए बदलाव है, ये आपको करने हैं। उसके बाद आप लोगों को निपुण भारत का करना है। निपुण भारत का फुल फॉर्म आपको पता हो, और अगर आप लोगों को चाहिए होगा सारा मटेरियल रिटर्न में दे दूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। और कुछ आप लोगों के साथ नई किताबों के ऊपर भी बात करनी है। आप तो मेरे स्टूडेंट रहे हो तो आपको तो पता ही होगा। पहले तो आप ये देखिए, ये संगठन ने अभी सभी स्कूलों में भेजा है, और आप लोगों को ये याद होगा मैंने आप लोगों को पंचकोश वगैरह सब कराया है, ठीक है। मैंने पंचादि भी कराया आपको, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे पूरा क्लियरली कर दिया है कि हम पंचकोश के आधार के ऊपर अपनी पूरी डेवलपमेंट को लेके चलेंगे, और एक भारत श्रेष्ठ भारत कराया आप लोगों को, वो सारा यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि हमारा पूरा विकास का जो सिद्धांत रहेगा और जो करिकुलर गोल हमने करे थे, ठीक है, वो सारा यहाँ पे मेंशन करा है। एक बार इसको देखिएगा कि नई किताबों को पंचकोश की अवधारणा पे लिखा गया है।
बेटा ये जो आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, निपुण भारत में आपको कितना पढ़ के जाना है, एक बार इसको देखेंगे आप दोनों। बेटा लर्निंग आउटकम आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में गणित में बच्चों को कितना आना चाहिए। बेटा आप मेरे ग्रुप में जुड़े हुए, ग्रुप में मैंने कल डाला है, रात को मैंने ग्रुप में भी डाला था ये सब, अगर आपने देखा हो तो हर एक भाषा के अंदर आपको देखना है। इंग्लिश का आपका अलग रहेगा, हिंदी का आपका अलग रहेगा, ठीक है। और FLN में हमें कैसे पढ़ाना होगा उसके बारे में ये सारा मैं आप लोगों को डिटेल में प्रोवाइड कर दूंगी। ये आप लोगों को जरूर पढ़ना है पॉलिसी को लेकर। एक आपको RTE 2009 के बारे में पता है, बासा वाला नहीं, जो अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको RTE के बारे में पता। अभी तक हमने बात करी लैंग्वेज की, अब ये आपके हाथ में, आपने इंग्लिश का करना है पोयम वगैरह लेसन वगैरह, ये आपने हिंदी का करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है आप लोगों की मैथ्स की। मैथ्स में आपको कुछ टॉपिक बिल्कुल तैयार करके जाने होंगे, वो टॉपिक आप लोगों के कौन कौन से हो सकते हैं, या तो आप क्लॉक का टॉपिक ले लो, और आप टॉपिक वो लेना कि इस प्रकार का टॉपिक हो कि इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको झलकता हुआ दिखाई पड़े। एक खास पोयम आप लोगों को बोल रही हूँ, मुझे सारंग की एक पोयम बड़ी अच्छी लगी जो नई किताबें है, और हाँ नई किताबें अभी इन्होंने लॉन्च कर दी है। इन्होंने ये बोला है कि नई किताबें सितंबर के मंथ से बच्चों को क्लास वन में केवी में नई किताबें लगाई गई है क्लास फर्स्ट से। इन बच्चों को पहले ही बोला गया था आपने कोई पुरानी किताब नहीं लेनी है, क्योंकि क्लास वन के बच्चे अभी 3 महीने का विद्या प्रवेश करके पहुंचे हैं। बेटा विद्या प्रवेश के बारे में कल भी मैंने YouTube पे बोला था, आप लोगों को कहूंगी आप वीडियो देख लेना ताकि मेरे को बातें रिपीट ना करनी पड़े। आज भी वीडियो नहीं डालूंगी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, बड़ी मुश्किल से ही बोल रही हूँ आज मैं, ठीक है। तो विद्या प्रवेश का पूरा पढ़ के जाना। अगर मैं आप लोगों से पूछूं जो मैंने कल डाला था, बताइए क्या इसका कोई इतिहास है हमारा वैदिक काल वगैरह से, क्या हमारे देश में पहले भी ये परंपरा विद्या प्रवेश की रही है? आप सुपर टेट पढ़े हैं मेरे से, तो मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया हुआ है, सारे पीरियड लिखवाए हुए मैंने, वैदिक काल का लिखवाया, बौद्ध काल का लिखवाया है, आपका मुस्लिम काल का लिखवाया है, बिस्मिल्लाह का हो गया, वो आपका मुगल काल में हो गया, और यहां पर आप लोगों का उपनयन संस्कार। बाद में क्या होगा, पबज्जा संस्कार, मुगल काल में बिस्मिल्ला संस्कार। उन्हीं बातों को बोला गया है विद्या प्रवेश। कितने महीने का होगा ये विद्या प्रवेश आपका? 3 महीने का होगा। इन 3 महीने में आप बच्चों को क्या करवाएंगे? इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है, एक्साइटेड हो। यहाँ पे क्या आप कोई किताबें वगैरह फॉलो करेंगे? कोई टेक्स्ट बुक नहीं होगी तो क्या फॉलो करेंगे? प्ले वे मटेरियल होगा। आपकी कहानियां कौन सी होगी? आपकी फोक टेल्स होगी। बच्चों के लिए मेन मेन स्टोरी बुक वगैरह होगा, ये सब आप विद्या प्रवेश में करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कह रही थी मैथ्स का टॉपिक, मैथ्स के टॉपिक वो लेकर चलना जो एक्टिविटी आप वहीं पर करवा पाओ। फ्रैक्शन का अगर करवाना है, बढ़िया टॉपिक रहेगा, आप लोग वहीं कर लोगे, हैंकी से ही आप करवा लोगे। और अगर वो कहे कि यही हैंकी आप क्लास वन में कैसे यूज करोगे, तो आपने क्या करना है, ये डस्टर वाला हैंकी ले रही हूं, इसको कई तरीके से मोड़ देना, ठीक है, ऐसे करके कुछ मोड़ देना कि इसमें बहुत सारी लकीरें आ जाए। जब वो लकीरें आ जाएंगी तो बच्चों को कहोगे ये आप लोगों की स्टैंडिंग लाइन बनकर आ गई, यहीं पर ये आपकी स्लीपिंग लाइन बनकर आ गई, यहीं पर ये आप लोगों की स्लैंटिंग लाइन बनकर आ गई, और फिर बच्चों को यही एक्टिविटी डॉट्स वगैरह के ऊपर दे दिया, ठीक है। तो आपने टीचिंग एड के तौर पर क्या इस्तेमाल करना है, जो भी वहां पर दिख रहा हो। अगर आपको शेप करवाना है तो शेप के लिए आप क्या करोगे, आपको क्या लगता है वहां पे आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहा होगा रूम में? ब्लैक बोर्ड,
ब्लैकबोर्ड हो गया, चौक का डब्बा। मैडम चौक का डब्बे के ऊपर आप कौन सी शेप बताएंगे? चौक के डब्बे की शेप क्या है? क्यूब का है। तो वहां पे आप 2D और 3D दोनों का ज्ञान आप बच्चों को दे पाएंगे। इस प्रकार आप लोग बच्चों को शेप वगैरह बता देंगे। क्लास थर्ड में एक चैप्टर है आप लोगों का टेनग्राम का। मैं पूछना चाहूंगी बेटा आपसे, एनिमल लवर आपने बताया, आप टेनग्राम से अलग अलग एनिमल्स के चेहरे कैसे बनवाएंगे? आप ना वो एक्टिविटी करके जाना, क्योंकि जब आपने बोला ना कि आई एम एन एनिमल लवर, तो मैं आपसे ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करवाऊंगी। आपने क्या करना है, पेपर आपको आराम से वहां मिल जाएगा, आपने पेपर को फोल्ड करके डॉग कैट कुछ भी बना के दिखा देना है, वो आपकी क्रिएटिविटी को दिखाएगा। अगर आप हाथ से वहीं पर ही करके दिखा दोगे ना, वो बहुत बढ़िया इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि बहुत लोग अगर रिजेक्ट होंगे वो वहां पे पहला एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अपनी बात को बोल नहीं पाएंगे, और अगर बोल गए तो रट्टी तोते की तरह जो भी रट कर आए हैं वो बोल लेंगे। लेकिन एक होता है ना अपने से कुछ क्रिएट करके दिखाना, वो आप लोगों को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाएगा और आपके चांसेस को ब्राइट करेगा। इसी प्रकार आप लोगों का ईवीएस का है। और मैंने कहा अगर आप कोई कविता का भी चयन करें, तो मैंने अपने ग्रुप में डाला है, किताबें मैंने डाली है ग्रुप में, मृदुंग भी डाली है, सारंग भी डाली है, जॉयफुल मैथ्स भी डाली है। उस किताबों को आप अगर देख लोगे ना, उनमें एक्टिविटीज इतनी बढ़िया डाली हुई है कि मैंने को ना एक खास पोएम बड़ी अच्छी लगी, घोड़े की चाल का है। एक ताल दो ताल तीन ताल, चल मेरे घोड़े नैनीताल। अब आपने क्या करना है, गिनती भी हुई, आपने ईवीएस को भी ले लिया और आपने बच्चे का ओरल रेसिटेशन उसको भी ले लिया। उसके बाद एक ताल दो ताल तीन ताल, खा मेरे घोड़े चने की दाल। तो इस प्रकार आपने तुकबंदी बच्चों से भी करवाई। अब अगर आपके बच्चे समावेशी के संदर्भ में है, तो हर बच्चा हो सकता है खाने की चीज का नाम बिल्कुल अलग लेगा, वो तुकबंदी कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमें यह पता चलेगा उसका कल्चर क्या है, उसके कल्चर में खाना पीना क्या है, तो बच्चों को भी समझ में आना शुरू होगा। तो इस प्रकार आपने जो भी कविता का चयन करना है, ये चीजें ना आपने बिल्कुल अपनी यहाँ पे तैयार करके जानी है, कि जहां पर वो आपको बोलेगा डेमो टीचिंग आपको मिलना ही है। और ये बहुत कम होगा कि आप लोगों को वो बोलेंगे यही टॉपिक आपको पढ़ाना है। आपने अपना ईमानदारी से जाके जो भी आपका टॉपिक बेस्ट तैयार है, और वही करना जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अब आप सबको एक एक काम करके देना है मेरे को, अब मैं बैठूंगी पीछे। अगर आप मुझे 5 मिनट की डेमो टीचिंग करके दिखा दो कुछ भी, अगर ये भी नहीं करनी तो आज की क्लास खाली मत जाने देना, मुझे ना एक बार दिखा देना कि आपकी हैंडराइटिंग सीधी आ रही है या नहीं आ रही। वैसे वहां पे आप लोगों को ग्रीन बोर्ड मिलना है, चौक मिलेगा, चौक में लिखाई बड़ी बढ़िया आती है, इसमें गंदी आएगी आपकी लिखाई। मेरी भी कोई बहुत अच्छी लिखाई नहीं है, लेकिन आप लोगों की चौक में बड़ी अच्छी आएगी, सिधाई में लिख कर आना है। और ये जो वो बता रहे हैं ना टोटल स्टूडेंट लिखना है, प्रेजेंट लिखना मत लिख कर आना, वहां पे जाके ना उनके पास टाइम नहीं है वेली चीजों का। जाकर आपने सिंपल क्या कर लेना है बेटा, यहाँ पे बस इतना लिख देना, डेट क्या है आपकी, कौन सी क्लास आप करवा रहे हो, क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको कहा आपको टॉपिक पढ़ा लो, तो मेरे को ये पता हो हाँ आप थर्ड क्लास का करा रहे हो, तो आपकी एक्टिविटी और आपकी क्लास के बच्चे का लेवल, हाँ दोनों का मैच हो रहा है। तो यहाँ पे जाके केवल आपको क्या लिखना है, आपका क्लास कौन सा है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है और आपका टॉपिक कौन सा है। वो टॉपिक अभी आप मत लिखना, क्योंकि टॉपिक आप हमेशा अनाउंसमेंट करते हैं, मान लो पोएम का कर रहे हो, मैथ्स का कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो टॉपिक आप बाद में लिखना, सब्जेक्ट लिख देना, क्लास लिख देना, और उसके बाद सीधा अपना पढ़ाना शुरू कर देना। ठीक है, अब इतना तो कर दोगे कि मेरे को लिख के दिखा दोगे आप लोग, कर दोगे ना इतना? चलो, और जब आप वहां पे बोर्ड पे पढ़ा कर आओ, क्लीन करके आना है। अगर आप क्लीन ना करके आए ना, वो नंबर काट देगा, वो कहेगा ये ऐसा टीचर बनने जा रहे हैं, ये बच्चों से बेवारी करवाएंगे। आज कहेंगे बोर्ड साफ कर, थोड़े दिनों के बाद कहेंगे बेटा मैं लंच नहीं लाया, कुलचे छोले लेकर आइए बाहर से मेरे लिए। तो वहां पे संगठन में ये बिल्कुल नहीं चलता है। जो भी मार्कर सही लगे अपने आप उसको देख लेना, मैं पीछे बैठ रही हूँ पानी की बोतल लेके, आप दोनों भी आगे आ जाओ, जिनको भी पहला करना है
जा जाकर अगर डेमो टीचिंग दे दो बहुत बढ़िया, नहीं दे पा रहे बोर्ड पे लिख के दिखाया, दो लाइनें लिखनी है इंग्लिश में, दो लाइनें हिंदी में, और इंग्लिश में कर्सिव मत लिख कर आना, बिल्कुल आपने सेपरेट लिखना है। बाकी ये है कि उन्होंने बोला है कि वो अपने स्कूल में बोल रहे हैं कि आप लोगों को कर्सिव में करवाना है, लेकिन जब टीचर लिखेगा ना तो कहीं पर छोटे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि आप आई लिख रहे हो या आप ई लिख रहे हो, आप पी लिख रहे हो, आप एच लिख रहे हो, बच्चे को पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो आप शुरुआत आप करेंगे जी, आप बस लिख के दिखाना है, दो लाइन इंग्लिश की, दो लाइन हिंदी की, मुझे ये देखना है कि आपकी हैंडराइटिंग कितनी क्लियर है। हैंडराइटिंग में बस मैंने क्या देखना है, लेजिबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसमें से कुछ लिखना है वो लिख लो या जो भी, या अगर आते आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैडम पहले आप लिख कर आ जाओ, फिर सबसे पहले आप शुरुआत कर लो। और आपसे तो मैंने बिल्कुल ना, आप करने जा रहे हो बढ़िया स्टिचिंग का ना, यहाँ पे कुछ करवा के देखूंगी हैंकी में से ही कि आप क्या ऐसा बना के देंगी कि मेरे लिए वो टी एल एन बन जाए। अब आप लोग आगे चले जाइए, पीछे मैं बैठूंगी। गुड मॉर्निंग सर। और हाँ एक बात बता दूं, वहां पे कोई भी जवाब नहीं देगा, लेकिन आपने जरूर जारी रखना है, वो बिल्कुल भी आंसर नहीं करेंगे। ये YouTube पे दिखाते ना, हाँ जी सर ये वो चुपचाप बैठेंगे, बस कुछ भी आपको आंसर नहीं करने वाले। अगर आपने कहा कि ये तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे, मैं पूछूंगी ना, तो इसका मतलब ये है अगर आपके बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो आपका पढ़ने का पढ़ाने का जज्बा खत्म हो गया। आपके अंदर अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन है तो वो आपको जवाब दे या ना दे, आप अपनी शैली को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप पूछिए, हो सकता है कई बार ये जवाब नहीं देंगे, पर आप पढ़ाना शुरू कर देना, 5 मिनट में आपका टॉपिक हो जाए। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग से गुड मॉर्निंग करके शुरू कर दो। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। और आप लोग कैसे हैं? सर भी बहुत अच्छे हैं। और क्या चल रहा है, आप लोग कुछ पढ़ाई लिखाई करना है? नहीं सर, खेल है। अच्छा, आप लोग खेलना है, स्टोरी सुनना है? खेल है। अच्छा ठीक है, आज हम लोगों को, हम आप लोगों को बोर्ड की एंट्री कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड की एंट्री करा दो। क्या डेट है आज? बेटा यहाँ नहीं लिखना, यहाँ नहीं लिखना, ऊपर नहीं लिखना, क्लास साइड में चले जाओ, या पहले बिल्कुल सीधा लिखकर आ जाओ, डेट, डेट के नीचे आपका क्लास, क्लास के नीचे आपका सब्जेक्ट, डेट बिल्कुल सीधी लिख लो, यहाँ डालो डेट, टेढ़ी नहीं लिखनी, डायगोनली मत लिखो, बिल्कुल सीधी लिखो डेट, जैसे हम स्कूल में आम काम करते हैं बिल्कुल वैसे। डेट क्या है आज? 29 सर। 29 सितंबर। क्लास कौन सा है? ये बच्चों से नहीं पूछेंगे आप, वहां पे सीधा अपने आप जल्दी से लिख दोगे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, इसमें 5 मिनट लग जाएंगे मेरे, बहुत जल्दी। टॉपिक नहीं लिखोगे, मत लिखना टॉपिक, सब्जेक्ट जरूर लिख देना, क्योंकि मुझे कैसे पता चले अभी आप क्या पढ़ाने आ रहे हो, टॉपिक बाद में आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा। दोबारा क्लीन करो, क्लीन करो, बाकी आपकी हैंडराइटिंग ठीक आ रही है, लेजिबल है, पीछे से बैठी हूँ देख रही हूँ दिखाई पड़ रहा है, अगर आपने छोटा लिखा वो कहेगा ये तो पीछे बैठे बैठे हुए बच्चों को दिखाई नहीं पड़ेगा सर, तो आपका फॉन्ट साइज बिल्कुल सही है। इतना तेज भाग रहा था, जो बहुत ज्यादा थक गया,
थक गया, उसे सबसे ज्यादा पानी की जरूरत हुई, ठीक है। तो पानी ऐसे हो गए, फिर आगे आज हम पानी के यूज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पानी का यूज किसको किसको पता है? बताओ पानी का यूज कहाँ होता है, बताइए। कपड़े धोने में, हिंदी में लिख दिया बस सर, आप आ जाइए, वो आपको कहेंगे बस आके बैठ जाओ। जैसे ही आपका डेमो टीचिंग 5 मिनट का हो जाएगा वो कहेंगे आके बैठिए। हाँ जी सर, आप लिख रहे थे पानी का। तो सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपके यहाँ पानी की स्थिति किस प्रकार की है? पानी की स्थिति, हाँ मैम, ट्यूबवेल है, नहर है, और हम लोगों के बगल से नदी बहती है, गंगा नदी। तो सर आपने ये बात बच्चों से क्यों नहीं पूछी? आप बच्चों से उनकी जानकारियाँ उनके अनुभवों के बारे में बताएंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन लेना होगा, इस प्रकार की बात करेंगे, या वो आप लोगों से इसी चीज के ऊपर कुछ ना कुछ पूछेंगे जो आप बोर्ड पे लिख कर आए। ठीक है, आप आराम से बैठिए। अब आपका क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा? अच्छा ये रहा कि जो फॉन्ट साइज है पीछे बैठ के नजर आ रहा है, ठीक है। जब आप वहां पे लिखे, आपने कहा हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपने लिखा आसपास, ठीक है। फिर आप टॉपिक लिखकर आ गए वाटर, ठीक है। या तो आपने सब्जेक्ट ऐसा करा तो आप यहाँ पे कहते जब बच्चे बोले थे पानी, और वहां पे हो सकता है कोई बच्चा आपको कहे वाटर। यहाँ पे एनडीपी ने ये बोला है आपको भाषा को कोई भी एक लिमिटेशन नहीं बनाना। अगर आप वाटर बोले हैं तो मैं लिखूंगी अच्छा पानी को वाटर। बेटा आप लोग पानी को क्या बोलते हो? हर एक गांव में अलग अलग शब्द होगा, मदर टंग के अकॉर्डिंगली। ये बात मान के चलना कि आपने यहाँ पर टॉपिक को इंटीग्रेट कर लिया। अगर आपने 5 बच्चों को पूछा आपके जिले में पानी को क्या बोल रहे हैं, तो आपने बच्चे को पर्यायवाची शब्द भी करा दिए, बच्चों का वर्ड फैमिली भी बन गया। हमारा आइडिया यहाँ पे नहीं है कि हम सब्जेक्ट के अंदर केवल घुसे रहे, हमारा आइडिया ये है हमको इसको रिलेट करना है, ठीक है। तो जो भी बच्चों के अपने सहज जो भी अनुभव आ रहे हैं उनको लेके चलो, ठीक है। उसके बाद आप जब लिख कर दे रहे थे कि पानी के लाभ के बारे में, एक बात ये है ज्यादा एक जगह पे खड़ा नहीं होना। अच्छा तो बच्चों पानी को आप किस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? आपके घर में कैसे किया जाता है पानी को इस्तेमाल? हाँ आप क्या करते हैं? अच्छा इस प्रकार आपने बच्चों का आंसर लेके अपने लेसन को डेवलप करना है। एक जगह पे कम खड़ा होना है, बिल्कुल आपको जितना एरिया मिला है उसको आपने कवर करना है। उसके बाद आपने टेबुलर फॉर्म में बोर्ड को बहुत ही इंटेलेक्चुअल वे में इस्तेमाल करना है। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप पहले ही बोर्ड को 2 भागों में बांट लीजिए, ताकि अगर आपको कुछ ऐड भी करना हो तो आप ऐड कर पाओ। आपका बोर्ड बिल्कुल भी हैफ़ज़र्ड ना लगे कि बड़ा ऑर्गेनाइज वे में आपने बोर्ड पे काम किया है। फिर आपने कहा आज हम पानी के उपयोग के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कितने उपयोग हो सकते हैं? हाँ रवि आपने क्या कहा? कपड़े धोना। और क्या क्या हो सकता है पानी का इस्तेमाल? अच्छा अगर आप यह कपड़े धोने के लिए भी कोई कपड़ा वगैरह बना के दिखा सकते हो, तो वो अगर आप बनाओगे वो आपके टीचिंग को और अट्रैक्टिव बनाएगा। अगर आप लोगों का ड्रॉइंग अच्छा है वो आपके लिए एजेट माना जाएगा। हो सके आप अपने बोर्ड को पूरा भर के आना, वहां इतना चौड़ा बोर्ड आपको नहीं मिलेगा, आपको 3x4 का बोर्ड मिलेगा, पर आपने सुंदर तरीके से लिखना है। और ये वाली जो चीज है ना आपकी डेट वगैरह वाली, ये जो आपने यहाँ पे डेट वगैरह लिखना है ये इस प्रकार लिखना है, ये यहाँ लिखना, नीचे मत लिखना। डेट के बाद आपका क्लास क्या है, फिर उसके बाद भले ही आप सब्जेक्ट यहाँ लिखकर आ जाए, टॉपिक बेशक आप यहाँ पे मिड में लिख दीजिए, आज आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पानी के उपयोग के बारे में। और अगर हो सके कोई छोटी सी कविता, आपको 2 लाइनें पानी की तुकबंदी कर सकते हो, वो उसकी तुकबंदी आप करके दे दीजिए, क्योंकि आपको पता आपने क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो,
तो आपके दिमाग में पहले ही होगा मेरा ओपनिंग नोट कितना अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, पहली बार के हिसाब से मैं कहूँगी आपने अच्छा करा। अब क्या बाकी लोग भी इनिशिएटिव लेके आना चाहेंगे, मैडम आप आ जाओ। ठीक है, बोर्ड को मैं क्लीन करके दे रही हूँ और इसी प्रकार आप मुझे बना के देंगे। लेकिन अब तो आपको करना है वहां पर, क्योंकि अब आपका स्कोर भी बढ़िया है, ये तो पता है कि आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। अगर आप 130 प्लस पर हो डेफिनेटली आपको आएगी कॉल। आपका कितना स्कोर बेटा? बढ़िया, 150 है। आज मेरे को ना अपनी वो जितने भी है, जब रिजल्ट आएगा फोटो भेज देना दोनों लोग, मैं वीडियो डाल दूंगी तुम दोनों का ही अपने चैनल पर ही। 150 बहुत बढ़िया स्कोर है, 115 है। अच्छा देखो, आपको खुद भी देखोगे आपका जो क्लास का डबल एस है ना वो बढ़िया नहीं आ रहा, इसीलिए मैं कह रही हूँ। और मैडम वहां पे ये काम बिल्कुल मत कर देना, बिल्कुल काम मत कर देना, ये वाला हमें आदत है, घर नहीं है, बिल्कुल डस्टर से रसोई नहीं है कि कैसे भी चुन्नी से कर लिया, किसी से भी कर लिया। ठीक है, सब्जेक्ट लिखिए। और ये लिखने में ना प्रैक्टिस हो जाए, इतना टाइम ना लगे जितना मैम को लग रहा है। 5 मिनट मिल रहे हैं, कहीं पता चले 2 मिनट यही लग गए। मैडम निराश मत होना इन बातों को सुन के, क्योंकि मेरे को बिल्कुल ईमानदारी से मुझे आपको फीडबैक देना है, तो आप इसको पर्सनली मत लीजिएगा। गुड मॉर्निंग, ओके मैम। सारी करते हैं, करना है तैयार करना है। आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आकर आपने सीधा बोला बच्चों आज हम खेलेंगे, आपने उत्सुकता जगा दी है, क्योंकि बच्चे इस बात से बड़े खुश होते हैं जब उनको आप कहो कि आज हम खेलेंगे कोई एक्टिविटी को। तो आपकी जो स्टार्टिंग है, ओपनिंग नोट आपका काफी मोटिवेटिंग है, बच्चे करने को प्रेरित होंगे। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं, ठीक है। अच्छा आप मुझे 2 लाइन इंग्लिश की 2 लाइन हिंदी की लिख के दिखा दो, और ये मान के चलना कि जब आपने कहा ना कि ऐसे बर्ड करती है या क्या, आपने चाहा कि आंसर आएगा तितली, लेकिन इसमें ज्यादातर बच्चों का आंसर बर्ड ही आएगा। ठीक है, तो आप प्लान करके चलना। चलो ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन करें, कोई बात नहीं। अब आप 2 लाइन मुझे हिंदी की सीधी लिख कर दिखाएंगे साइड पर। हाँ जी, चेंज कर लो मार्कर। मैंने एक लाइन हिंदी की लिख दो बस, हिंदी की। ठीक है मैम, आपका पीछे बैठ के मेरा तो चश्मे का नंबर बड़ा है, मैं देख पा रही हूँ, बहुत छोटा है। जब आप मैम हिंदी में शिरोमणि रेखा डाल रही हैं, आप बीच में रुक रुक के डाल रही हैं,
आपकी शिरोमणि रेखा आएगी जब आपने लिखा नाम, नाम लिख लिए आप तब आपकी शिरोमणि रेखा आएगी। आपने क्या लिखा, पहले आप ना लिखकर आधी रेखा डाल दी है, फिर ना करके आप रेखा को पूरा कर रही हैं, ठीक है। इस चीज के ऊपर आप काम करेंगे, जब अगली बार आप आएंगे तो आप ना प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है। आज घर जाके ना आप थोड़ा शिरोमणि रेखा को देख लेना, आप कैसे लेके चल रही हैं। बेटा जी आप चले जाइए अब, और मैडम आप क्लीन करके नहीं आई हैं, ठीक है, आप बैठे रहिए, कोई बात नहीं। Good morning, ma'am. So, how are you all today? Fine. I'm also good. Today we will do an activity. Would you like to do? Yes, ma'am. Are you excited? Yes. Okay. First, tell me your date of birth. Change your marker. मार्कर ढंग के, मार्कर ढंग वाले। मार्कर दे दीजिए सर। बेटा मार्कर लीजिए, दिखाई नहीं पड़ रहा है, चेंज करिए मार्कर, ये वाला लीजिए। यूज डस्टर। Okay, carry on, carry on. Yeah, yeah. मैम बहुत सारे हो गए, अब आपको क्या करना है, पिक्चर जरूर बनाकर आया करिए। अगर आपने कैट बनाया, पिक्चर जरूर बनाइएगा साइड में, वो एक बच्चों के लिए एक एक्टिविटी भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आपका इसके अंदर बेस्ट पार्ट क्या है, हैंडराइटिंग आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। और जब मैम आप कैट के साथ काओ वगैरह ये एनिमल्स का बना रही थी ना, यू बेटर मेक अ कॉलम हियर, यू वुड बी राइटिंग द नेम्स ऑफ द एनिमल, सेकंड कॉलम इज शोइंग साउंड ऑफ द एनिमल, वो आपकी हेडिंग आएगी, गैप थोड़ा देना पड़ेगा, अच्छी है हैंडराइटिंग में आपकी कोई दिक्कत नहीं है, बट ना जैसे कैट के बाद काओ के बाद लाइन के बाद डक आ रहा है, इनमें थोड़ा गैप दीजिएगा, छोटे बच्चे ना कैट के साथ फिर काओ ही लिख जाएंगे, क्योंकि आपने दोनों सीसी वाले इकट्ठे कर दिए, तो वो बच्चे जरूर कुछ ना कुछ ऐसे कर देते हैं। हाँ अच्छा है आपका, आ जाइए बेटा, अब आप जाएंगे, बेटा आप भी क्लीन नहीं करके आए हैं, ठीक है, ये वहां पे ध्यान रखना, अभी तो मैं बता रही हूँ, वहां आपको ध्यान रखना होगा। जाएंगे बेटा आप, उसके बाद आप दोनों आगे वाले जाएंगे, ठीक है। अपना टॉपिक मन में सोच लो, कुछ भी सोच लो, 5 मिनट का 2 मिनट का, और ये ना ज्यादा लंबा टाइम मत लगाया करो, आज डेट क्या है, आज क्या है, वहां सिंपल जाके आप डेट वगैरह लिख कर आ जाइए, आपको बस वहां जाके टॉपिक के लिए एक आपको भूमिका बांधनी है, पर डेट क्लास सब्जेक्ट आप लिख दीजिए वहां पर, उन्होंने कहना है सर आप पढ़ा दीजिए, उन्होंने ये भी नहीं कहना कौन सी क्लास का पढ़ाना है, कोई होगा किसी की टांग खींचनी होगी उसको बाहर निकालना है तो कहेंगे आप ना 5th class का परसेंटेज पढ़ाइए, अगर आपने ऑनर्स करा है तो पूछ लेंगे, आपका तो वैसे पॉलिटी में है,
ज्यादा नहीं खींचेंगे आपको प्राइमरी के लिए। अगर मैथ्स वगैरह में करा है, इंग्लिश वगैरह में करा, पूछेगा। क्लीन द बोर्ड और राइट, ये जो लेफ्ट पार्ट वाला खुद है ना, खुद ही बना देना, ज्यादा बच्चों को मत पूछना आज कौन सी डेट है क्या है। मुझे 5 मिनट में देखना आप क्या पढ़ाती हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू ऑल? फाइन। बट योर मैम इज इन ट्रबल टुडे। व्हाई? हाय मैम, एक्चुअली मैं ये भूल गई हूँ कि मैंने कुछ सामान लाई थी यहाँ पर, वो सामान खो गया है। मुझे मिल ही नहीं रहा, पता है क्या क्या खोया है? क्या क्या खोया मैम? एक तो मेरा बैग नहीं मिल रहा, एक मैं भूल गई कि मैंने अपनी डायरी कहाँ रखी, और एक मैम का मार्कर जिसे मैम रोज लिखती है ना, वो मार्कर भी नहीं मिल रहा है। आप मेरी हेल्प करोगे ऐसे फाइंड करने में? जी। ओके, लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग माय थिंग्स। ओके, कैन यू सी वेयर आर दीस थिंग्स व्हिच आई टोल्ड अबाउट? मार्कर मैम, वेयर इज द मार्कर? नहीं, द अदर मार्कर, एक और। यहाँ यहाँ कहाँ? आई कुडंट सी मैम। नीचे नीचे इसके नीचे बेटा। बहुत अच्छा करा आज, अच्छा करा है आपने। एक्टिविटी इसी प्रकार प्लान कर देनी है। अगर आपको मौका मिल गया तो वहां पर आप ना कोई अगर पिक्चर बना पाओ, चेयर का बना लिया, किसी का भी बना दिया, कि यहाँ पर आपने क्या भरना है, या आपने किसी बच्चे को बुला दिया। बेटा अब आपको यह करना है, ये वाला जो पेन है या बैग है, ठीक है, इस बैग को अंडर द टेबल, अंडर द चेयर करके दिखाओ, या ऑन द करके दिखाओ, ताकि बच्चा प्रेपोजिशन का यूज कर पाए। और आपने स्टार्टिंग जो बिगिनिंग करी है बहुत एंगेज वाली करी है, कि बच्चा एकदम एंगेज होगा। गुड, बैठ जाओ। चलिए जी, अब आप दोनों में से आगे जो भी जाना चाहे, कोई भी एक्टिविटी नहीं भी करनी हो तो कम से कम लिख के जरूर दिखा दो बोर्ड पे, कैसे लिखोगे वहां पर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग करके एकदम से पीछे बैक नहीं दिखाओगे, गुड मॉर्निंग करके हंसा हुआ चेहरा जो बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चों से एक बार रूबरू होने की कोशिश करना। जब हो गए, क्लास का माहौल सेट हो गया, फिर आप डेट क्लास लिख लेना। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? फाइन सर। और आपने आज क्या क्या खाया लंच में? परांठा। पराठे का है? ओके, आपसे केले का है? रोटी का है। ठीक है, आप बताओ आज डेट क्या है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लास में लिख लो बेटा, सब्जेक्ट के ऊपर ना, क्लास लिख लो सब्जेक्ट के ऊपर, सब टोटल स्टूडेंट नहीं लिखने, सब्जेक्ट के ऊपर बस क्लास लिख लो। हाँ, ऊपर यहाँ पर टॉपिक अभी नहीं लिखना, अब बात करके टॉपिक शुरू कर देना, क्या लिखोगे। ठीक है, आ जाए। हिंदी की एक लाइन लिख के दिखाइए।
और बेटा आपने जब लिख रही थी ना पहला वाला, तो उसमें वॉज नहीं लिखा था आपने, मार्कर वगैरह कर दिया था वहाँ पे जो चेयर वाला था ना, वहाँ वॉज नहीं लिखा। आपने बोला जरूर पर लिख नहीं पाए थे, सेंटेंस पूरा नहीं बन पाएगा पूरा, ठीक है, उसका ध्यान रखना। बाकी करा अच्छा, नहीं पर आपने ऑल ऑफ अ सडन टॉपिक एकदम डिजाइन कर लिया, ये बड़ी अच्छी बात है। और मैडम अगली बार मैंने आपसे ना स्टिचिंग का कुछ दिखवाना है यहाँ पर, कि आप ना उसी समय करके दिखाओगी, ठीक है, मैं उसके लिए आपके साथ कुछ शेयर करूंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे आपने ये दीपक लिखा है ना, आपका जो के है छोटे बच्चे नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए मैंने कहा था कि आप ना कर्सिव वाला जो भी है इसको अवॉइड करने की कोशिश करना, ये वाला के ना लिखकर, जो प्रॉपर हमारा के होता है ना बड़ी एबीसी वाला, वो वाला लिखना, और थोड़ा सा बड़ा लिखोगे, ठीक है। सिमेट्री में आप देखो माई नेम के साथ आपने गैप कम रखा है, उसके बाद इज और दीपक और फिर जाके सिंह में, फिर गैप कम हो गया। सिमेट्री लेकर चलनी है, घर में थोड़ी प्रैक्टिस करना, बोर्ड क्लीन करके आ जाइए, लास्ट में ये लिखेंगे। लास्ट अब आपका है, आप आ जाइए। चलिए गुड मॉर्निंग सर, अच्छे अब बेटा एक नॉर्मल में लिख के दिखाओ कि पूरा ब्लॉक में ना हो, एक नॉर्मल में लिख के दिखाओ कि आपने पूरा इसमें ब्लॉक में लिखा है, ठीक है। और स्पेलिंग ऑपरेशनल की भी ठीक लिखकर आओगे या दूसरा कोई वर्ड लो, लेकिन आपने पूरा ब्लॉक में नहीं लिखना, जैसे हम करते हैं ना कि इनिशियल आपका कैपिटल बाकी आपके स्मॉल, वैसा लिखकर दिखाओ, ठीक है, कुछ भी लिखकर दिखाओ मेरे को। हिंदी का लिखिए, बैठेंगे आप, आपका क्लीन नहीं करवाऊंगी मैं, बैठेंगे आप, एक बार आप अपना देखिए हैंडराइटिंग, आपको ऐसा लगता है जहां आपने लेफ्ट में कॉलम बनाया डेट सब्जेक्ट टॉपिक क्लास, इनका ऑर्डर चेंज होगा, डेट के बाद आपका आएगा क्लास, क्लास के बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, टॉपिक आपने लिखना ही नहीं है, टॉपिक आपने बच्चों से बात करके, जैसे होता हमारा लेसन प्लान में होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, वो आप तब जब आपने कहा कि मैं आज पूछूंगा, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में आके लिखा न्यूट्रिशन, क्लास थर्ड ठीक से लिखा नहीं गया है, आपने जो डेट डाला है इतना लंबा डेट नहीं डालना, सिंपल एक डिजिट्स में डालकर आ जाइए, ठीक है बेटा। उसके बाद
जैसे आपने लिखा माई नेम इज श्री राम वर्मा, इसमें आपका एम और वाई ठीक बन रहा है, एन के बाद जो ए एम ई है आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटा चला गया है, ठीक है। मेरा भारत महान जब आप लिखेंगे तो भ इसके ऊपर शिरोमणि रेखा पूरी नहीं आएगी, जहां पर भी लूप आ जाएगा वहां पे शिरोमणि रेखा नहीं आती है, धा पर भ पर पीछे से जाएगी, ठीक है। और दूसरा, आप जीन में जेब में हाथ डाल के नहीं पढ़ाएंगे, आप जब आएंगे सीधा तो आपके हाथ पीछे की ओर होंगे, आप ऐसे जेब में हाथ डालकर नहीं आएंगे, आपने इस प्रकार हाथ रखने हैं जैसे आप आता करते हैं, तो आपके हाथ यूं रहेंगे। गुड मॉर्निंग क्लास, ये लड़कियों के लिए भी है लड़कों के लिए भी है, आप अगर ऐसे आएंगे वो एटीट्यूड दिखाएगा कि आप बहुत कैजुअल एटीट्यूड के हो, आपको अपना जॉब का नहीं है, और वैसे भी आपने जीन्स पहन के नहीं जाना, आपको पता ही है आपने प्रॉपर फॉर्मल पहनना है, शर्ट पहनेंगे आप प्लेन पहनेंगे, कोई डिजाइनदार नहीं होगी, ट्राउजर का कलर आपको पता होगा कि आप कैसा कॉम्बो बनाओगे, लाइट शर्ट डार्क आपकी ट्राउजर। आप लोग अगर कमीज सलवार कुछ पहन रहे हैं, दुपट्टा अगर आप कैरी करती हैं तो अच्छी बात है, और मैडम अगर आप सर पे दुपट्टा रखे कंफर्टेबल है तो जरूर सर पे रखिएगा, आपको सहज होने का है बिल्कुल। तो अगर आपको लगे ऐसा नहीं कि सब लोगों ने अगर ऐसा दुपट्टा लिया साइड के ऊपर तो मैं भी लूं, अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ऐसे जैसे मैं हूं आज के जमाने में भी इसी प्रकार का ही कपड़ा पहनती हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा काम बेस्ट कब निकलेगा जब मैं कंफर्टेबल हूं, तो मैं दुनिया को बिल्कुल नहीं देखकर चलूंगी, दुनिया मेरे बारे में क्या बोल रही है, क्या मैं पहनती हूँ, कैसे मैं अपने आप को रखती हूँ। ये बच्चे वैसे अगर पढ़े हुए बहुत समय पहले से, इनको पता है मैं यूं ही रहती हूँ, ठीक है। मैंने कभी यूट्यूब पर आके चार लाइटें लगा के अपने सांवले रंग को गोरा रंग दिखाने की कोशिश नहीं करी है, जो मैं हूं ऐसी हूं, टेक मी और लीव मी, ठीक है। तो अपने एटीट्यूड्स को अपने वैल्यूज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बस आपको मेरे को क्या चाहिए, आपकी बार जब आप आएंगी तो आप पढ़ाएंगी, आपका प्लान होगा लेसन, ताकि आपको जब ये कुछ भी कहेंगी तो आप उन सारी सिचुएशन को एकदम टैकल कर पाएंगी, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ कॉन्फिडेंस आया है कि इस प्रकार आप लोगों का डेमो टीचिंग होगा और आपका पर्सनल का सर करवाएंगे कि वो आपका जो भी बायोडाटा वगैरह ओपन होगा उसमें कई बातें आप लोगों को पूछेंगे, वो सारा पार्ट आपको सर करवाएंगे। मेरा काम मेन क्या होगा, पेडागॉजी को लेकर होगा, नई शिक्षा नीति के ऊपर क्या बात है, जो भी हमारे नए इनिशिएटिव है संगठन में किन बातों को लेकर बात की गई है, संगठन क्यों बढ़िया है, और आप लोगों को अगर वो कहेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हो, यूपी से, सर आपको ना हम नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग देंगे, तो आपने कहना जी सर बहुत अच्छा, तो क्या आप लोग इतने कंफर्टेबल रहेंगे कि आपका यूपी का जो भी क्लाइमेट है, जो भी आप लोगों का कल्चर है, और वहाँ का नॉर्थ ईस्ट का कल्चर बिल्कुल अलग है। वैसे बता दूँ नॉर्थ ईस्ट में बहुत रेयरली है किसी को भी नहीं भेजेंगे, मैंने कहा पूरा साउथ खाली है, साउथ में जाओगे सारे, क्योंकि इस समय जो भी 2019 में पीछे लोगों को गलतफहमी हुई थी केवीएस का, वो निकल कर आया भाई वैकेंसी का, उसमें उन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, उनके जितने ट्रांसफर है पूरे हो गए हैं, मतलब साउथ में इतनी बुरी हालत है कि पीआरटी के लेवल के ऊपर तीन तीन चार चार टीचर है पूरे स्कूल के अंदर। आप लोग जाएंगे आपको अच्छा मौका मिलेगा, ठीक है। बाकी बातें आपकी बाद में होंगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि सिटी वगैरह के अकॉर्डिंगली आपको कैसे अपना जो घर वगैरह का भत्ता वगैरह है वो कितना ज़्यादा कटता है। अगर आप दिल्ली जैसी जगह पर आओगे तो ये आपके लिए सबसे महंगा है, यहाँ पे लोग चाह कर भी नहीं आते हैं, यहाँ पे आपका 27% कट जाएगा। और अगर आप है हार्ट सेशन के ऊपर और अब वो क्लॉज भी खत्म हो गया आपका वेरी हार्ड हार्ट का भी, अब आप लोगों के लिए सीधा क्लॉज है, हमारे जमाने की सब चीजें हट गई है, 5 साल आपको बिताकर आने हैं, अगर आपने 5 साल बिता लिए तो आप लोग जहां पर भी आना चाहोगे प्लेन्स में आप आ सकते हैं, लेकिन यही पक्का है कि आप कहीं पर भी परमानेंटली सेटल नहीं होंगे। लेकिन ये है कि आपको हार्ड सेशन से 5 साल इकट्ठे आपने कंप्लीट कर लिए फिर आपको अच्छी जगह के ऊपर लाया जाएगा, ठीक है जी। अब कोई डाउट वगैरह आप लोगों का है, कुछ पूछना है तो पूछिए आप लोग। ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन है, बहुत रेयरली होगा कि वो लोग आपको कहेंगे, वो सिंपल आप लोगों का बायोडाटा करके कहेंगे सर आप कुछ पढ़ा के दिखाइए, उनका यही कहना होगा। अगर मान लीजिए आपने लिखा है कि मैंने मैथ्स में ऑनर्स करा है, मैंने इंग्लिश में ऑनर्स करा है, तब हो सकता है वो आपको कहे आपने मैथ्स में करा है सर थोड़ा ईवीएस पढ़ा के दिखाइएगा, इंग्लिश ऑनर्स है आप हिंदी का थोड़ा पढ़ा के दिखाइएगा, क्योंकि मेरे को देखना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, वो तो आपका मुझे पता ट्रम्प कार्ड है ही है, मेरे को तो ये देखना है कि आपको सारे विषय को पढ़ाना है, पीआरटी के लेवल के ऊपर क्या है सारे सब्जेक्ट आपको आने चाहिए, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैंने क्या बोला है
आपने चारों के ऊपर बात करनी है। इंग्लिश का भी पढ़ के आना, आपने हिंदी का भी करके आएंगे, मैथ्स का भी करना है, टीवीएस का भी करना है, और अगर आप नई किताब का कर लो तो मैं कहूंगी बढ़िया है। क्या क्या टॉपिक करने हैं, अगर आप लैंग्वेज में आ रहे हैं, एक आपका पोयम रहेगा, एक आपका स्टोरी टेलिंग रहेगा, एक आप लोगों का ग्रामर रहेगा, एक आपका रोल प्ले है। रोल प्ले आप देख लेना, आपने हिंदी में कराना है या आपने इंग्लिश में कराना है। उसके बाद दोनों लैंग्वेज में यही रूल चलेगा आप लोगों का। मैथ्स में आपने सारे वो टॉपिक लेना जिन टॉपिक पे आपको लग रहा है कि मैं एक्टिविटी कर पाऊंगा, मेरा बोर्ड जो है वो बिल्कुल भी खाली ना लगे, लगे कि वाकई ही मैंने कुछ पढ़ाया है। नहीं भी आता तो कॉलम्स वगैरह बना के, जैसे आप 2D 3D कर रहे हो, आपने यहाँ पे कॉलम बनाया 2D का, एक बनाया आपने 3D का, उनके साथ में एग्जाम्पल, उनके साथ में आपने चित्र बनाए, वो एकदम से आपके बोर्ड की क्लैरिटी, आपके थॉट की क्लैरिटी दिखा रहा है। जितना आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होगी उतना आपका बोर्ड खूबसूरती से दिखेगा। अगर आप हैफजेड वे में है, आपके बोर्ड के ऊपर आपकी घबराहट जो है वो दिखाई पड़ेगी। जो आप लिखेंगे ना, आपके जो अक्षर है वो थोड़े से हिलते हुए आएंगे, वो पता चल जाएगा कि आप काम स्टेट ऑफ माइंड में हैं। वह सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड क्या है जीतने का, सहजता। आप शांत हो, बिल्कुल आराम से जाके ये सोचना है कि मैं, जैसे आप इनसे बात कर रहे हो बिल्कुल इसी प्रकार पैनलिस्ट बैठे हैं, मैंने उनसे बात करनी है, जाके अपना पढ़ाना है। टीपी आप लोगों ने करी होगी, सब करके आए होंगे टीपी वगैरह, पर सोच लो आपको यहाँ पे बहुत लिमिटेड करानी है, 5 मिनट में सब कर लेना है आप लोगों ने, तो यहाँ पर आके ज्यादा जो यूट्यूब पे बोल रहा बातें इतना टाइम मिलेगा नहीं। उनको पता है आपको डेट लिखना आता है, तभी आप पेपर क्वालिफाई करके आए, वो चाह रहे आप अपनी पैडागॉजी दिखाओ। समझ में आ गई इतनी बात। आगे हम कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, और जो जो मैंने आप लोगों को पेपर दिए सारे मेरे पास यहाँ लौटा देना, आप लोगों को पूरा बंडल बना के दिया जाएगा। हाँ, हो सकता है अगर आपने नहीं मेंशन करा, देखो अगर आप एमए मेंशन कर रही हो और आपको लगता है मेरे से उन्होंने कोई सवाल पूछा मैं हैंडल कर पाऊंगी, तो मैंने आपको ये कहा ना कि अगर आप एमएस का मतलब ठीक है, आपने कहा कि मास्टर हूं मैं उसमें, फिर भी कुछ ना कुछ कमियां हर एक में होती है, हो सकता है वो आपसे कुछ ऐसा पहुंचे कि आप उस बॉल के ऊपर छक्का लगाकर आज, तो आप डर क्यों रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने डरना नहीं है। हो सकता है आप उसके बारे में वो कहे हाँ जी हिंदी साहित्य के बारे में कुछ बताइएगा, तो आप बता पाओगे, और आपकी जो साहित्य की नॉलेज है उसको अगर हम कोकरिकुलर एक्टिविटी में लगाना चाहे तो कैसे करेंगे आप। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप माइंड में तैयार करके चलेंगे। मतलब अगर वो ईयर गैप देखेंगे उसके बाद आपने कुछ नहीं किया क्योंकि हमने उसके बाद एमए करा, पर हम उतना अच्छे से पढ़ा नहीं, तो अब हमें फिर दोबारा रिवाइज करने में काफी टाइम लगेगा, तो ये सोच रहे हैं कि ना मेंशन करें, तो अगर वो पूछने लगे आपने उसके बाद से कुछ नहीं करा एकेडमिक्स में, तो फिर हम आप तो आप नहीं बात भी बोला झूठ। मान लीजिए अगर आपने दिखा दिया कि हमने करा है, तब आपका कोई गैप नहीं है, तो आप वो दिखाओ कि आपने जो करा है और कोई गैप नहीं है। और अगर गैप आ गया, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, कई लोगों ने मेरे को ये भी पूछा, कई लोगों का ये है कि हम ना एक क्लास में फेल हो गए, तो मैंने क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप फेल हुए उसके बाद आप इस मुकाम पर आ गए, आपके तो जज्बे को सलाम है, या आपने हार नहीं मानी, आपने अपनी चीजों को सुधारा है, तो आपने वहां पे ऐसा कुछ दिखाना है। एक अगर कॉन्टिन्यूटी मेंटेन कर पाओ ठीक है, अगर आपका गैप आया तो कुछ तो आपने करा होगा ना उस गैप में, भले ही आपने वहां पे जाके सिलाई कढ़ाई सीख ली हो, मेंशन कर दो। हाँ, 2013 में आपने एमएससी करा, बड़ा लंबा टाइम गैप है, तो आपने घर का रस्सी संभाली बीच में, ठीक है, बच्चे हैं आपके, ठीक है मैडम, आप अपने आपके बच्चे कितने बड़े हैं, 3 साल का है, तो आप अपने 3 साल के बच्चे को में अगर भाषा को बहुत अच्छा डेवलप करना चाहती हैं, तो आप बच्चे के साथ किस प्रकार का घर में माहौल देती हैं। हाँ, पर जहाँ पे भी अगर आपको लगे ना कि आपका इंग्लिश वर्ड में कहीं पे भी प्रोनंसिएशन में डाउट है, इस्तेमाल मत करिए, आप हिंदी बोलिए, बहुत अच्छी बोलिए, बस जो भी बात बोले आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाए, सहज होकर आपने बोलना है, किसी की शोशेबाजी में नहीं आना कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगी ना तो मेरा इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। हाँ, मैं अपने बच्चे से बात करती हूँ और अभी मेरे बच्चे का जो है अभी इतना क्लियर नहीं है स्पीच, तो मैं उससे जानबूझकर इस प्रकार की बात करती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा बोले।
जैसे कि हम कई बार क्या करते हैं, एक पिक्चर ले आते हैं और मैं बच्चे को पूछती हूँ, बाबू इसके अंदर ये लड़का क्या सोच रहा है, उसको मैं बोलने का ज़्यादा मौका देती हूँ। हमने केवी में भी पढ़ा था कि आप किस प्रकार पिक्चर रीडिंग करवाते हैं, इसको हम शुरू में कहते हैं शेयर्ड रीडिंग। जिन बच्चों को भी पढ़ना नहीं आता है, हम उनको केवल पिक्चर दिखा के अपनी भाषा को व्यक्त करने का मौका देंगे। शुरुआत आपकी मौखिक संप्रेषण से होगी, मौखिक के बाद आपका पढ़ना और लिखना तो बिल्कुल आखिरी में आएगा। तो जितनी एज में मेरा बच्चा है, वहां पर मैं केवल बच्चे को मौखिक रूप में अपनी बात को कहने का मौका देती हूँ। इस प्रकार आपने करना है, ठीक है? तो आप कह सकती हैं, बाद में मेरी शादी हो गई, लेकिन अब सर मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरा बच्चा भी हो गया है, सेटल भी हो गई हमारी लाइफ, तो मुझे लगा मैं अपने करियर को एक बार दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहती हूँ। तो वो ये भी कह सकते, तो मैम अगर सेकेंड बेबी हुआ फिर दोबारा लैप्स आएगा? नहीं सर, अब मेरा एक बेबी हो गया है, तो अब मेरे को पता है कि मेरी जर्नी किस प्रकार चलेगी। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी साथ में लेकर स्कूल के बच्चों के बारे में, और अब मुझे लगता है मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी, क्योंकि अब मेरा अपना बच्चा है तो मैं समझ सकती हूँ बच्चों की क्या भावनाएँ हैं। मुझे लगता है एक माँ के रूप में अब मैं अपने प्रोफेशन को और ज़्यादा जस्टिस के साथ कर पाऊँगी। तो आपने क्या दिखाया कि जो मेरा गैप था, वो गैप नहीं था, वो मेरी टीचिंग को परिपक्व कर जाएगा, क्योंकि इस गैप में मैंने इतनी चीज़ों को सीखा है कि आज मेरी बच्चों के प्रति राय बदल गई। तो आप बता देना जो भी आपका रीज़न रहा कि आपने कहा कि बाद में मेरी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स वगैरह रही या मेरे हालात कुछ इस प्रकार के रहे कि मैं अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हो गई, और जैसे ही मुझे लगा कि अब मेरा बच्चा 3 साल का हो गया, वो स्कूल जाने वाला है और अब वो काफ़ी चीज़ें सीख गया है, तो इस समय अगर मैं भी अपनी जॉब शुरू करती हूँ तो हाँ अब कोई ब्रेक नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी अब जान चुकी हूँ। और कोई डाउट ना हो तो क्लास को यहाँ पे हम ओवर करते हैं, तो आप लोगों का जो भी होगा सर को बता दीजिएगा, ठीक है? नमस्कार जी।